हेलो स्टूडेंट, आई एम ऋजुमणि उपाध्याय फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली एंड टुडे आई विल टीच यू कंप्यूटर सब्जेक्ट। टुडे आवर फर्स्ट चैप्टर एंड इट्स अ सेकेंड लेक्चर। वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड थर्ड इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टोरेज डिवाइस, CPU एंड मेमोरी। सो आई एम गेटिंग फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज डिवाइस। वी विल डिस्कस अबाउट स्टोरेज डिवाइस। सो व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस? Storage device are the device which are used to retrieve from and save to the data and information such as hard drive, memory stick, pen drive, compact disc, DVD and tapes। तो storage device हमारी ऐसी devices होती हैं जिनमें हम data store करते हैं। We will store data in storage device। तो जैसा कि हम जानते हैं कि storage device में हम डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उससे हम डेटा को रिट्रीव भी करते हैं। तो डेफिनेशन हम इसका लिखेंगे, स्टोरेज डिवाइस आर द डिवाइस विच आर used to retrieved from and saved to the data and information such as hard drive, memory card, CD, DVD and etc। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है, इस डिवाइस में हम डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा हम स्टोरेज डिवाइस से रिट्रीव भी करते हैं। स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल्स हैं हमारे हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD, etc। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। फ्लॉपी डिस्क डेवलप्ड इन लेट 1960s। फ्लॉपी डिस्क का जो यूज किया गया था, डेवलप किया गया था, ये 1960 के दशक में यूज किया गया था। अब फ्लॉपी डिस्क के बारे में देखते हैं, बनता कैसे है। ए फ्लॉपी डिस्क इज मेड अप ऑफ ए सर्कुलर थिन प्लास्टिक जैकेट कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। इट्स आउटर कवर विच इज ए हार्ड प्लास्टिक protected
are protected plastic disc. Floppy disk can hold only 1.44 MB data. Only 4.44 MB data. This disk is outdated. Floppy disk का भी use नहीं किया जाता है. तो जैसा कि मैंने बताया, जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है, इसमें हम ओनली 1.44 MB डेटा ही सेफ स्टोर कर सकते हैं. ये आउटडेटेड हो चुका है. सेकेंडली, हम जो सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क के बारे में हम जानेंगे. हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ मेटल डिस्क एंड कोटेड विद द मेटल ऑक्साइड यूज टू स्टोर बल्क ऑफ डेटा. दीज डिस्क कैन स्टोर मोर देन फ्लॉपी डिस्क अप टू 10 और 100 ऑफ गीगाबाइट्स. तो जो हमारा हार्ड डिस्क होता है, इसमें 10 से लेके 100 गीगाबाइट GB डेटा हम स्टोर कर सकते हैं. हार्ड डिस्क के जो मेन पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं हमारे हार्ड डिस्क के अंदर. तो फर्स्ट हमारा होता है बेस कास्टिंग. बेस कास्टिंग क्या होता है हमारा, यह हम देखेंगे. तो हार्ड डिस्क के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होता है बेस कास्टिंग, जिसके ऊपर हमारी हार्ड डिस्क की प्लेट्स होती हैं. फिर इसमें एक होता है स्लाइडर हेड. हेड के माध्यम से ही डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है और रीड किया जाता है. इसके बाद आते हैं जम्पर. जम्पर से हम, जैसे एक ही सीपीयू में हमने दो हार्ड डिस्क लगा दिए, तो कौन सा प्राइमरी हार्ड डिस्क होगा, कौन सी सेकेंडरी हार्ड डिस्क होगी, ये हम जम्पर के थ्रू डिसाइड करते हैं. फिर आता है जम्पर पिंस. जम्पर पिंस के माध्यम से ही हम चेंज करते हैं इसको, स्लैब और मास्टर ड्राइव बनाते हैं, मास्टर एंड स्लैब ड्राइव. इसके बाद फिफ्थ हमारा होता है पावर कनेक्टर. हार्ड ड्राइव को पावर की अलग से ज़रूरत पड़ती है, तो ये पावर एक कनेक्टर जिसमें 4 पिंस होते हैं. इसके बाद एक इंटरफेस होता है जिसको स्केजी इंटरफेस बोला जाता है. ये स्केजी इंटरफेस हमारे हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है. इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये स्टोरेज डिवाइस का. इसमें होता है कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसको हम बोलते हैं CD. CD ही कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म ही कॉम्पैक्ट डिस्क होता है. CD दो टाइप्स की होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क. फर्स्ट होता है रीड ओनली मेमोरी. एंड सेकेंड इज रीड एंड राइट मेमोरी. रीड मेमोरी में क्या होता है, इसमें हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं सिर्फ एक ही बार स्टोर कर सकते हैं. अगर हमें CD के ऊपर री राइट मीन्स डेटा उसमें दोबारा से सेव करना है तो हम नहीं कर सकते हैं. CD की कैपेसिटी होती है 700 MB. ओनली 700 MB डेटा ही हम स्टोर कर सकते हैं. वहीं जो दूसरा टाइप का CD होता है हमारा रीड एंड राइट, इसमें हम अगेन एंड अगेन डेटा राइट कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन, और कैपेसिटी सेम 700 MB होता है. इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा होता है DVD. DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क,
इसकी कैपेसिटी मोर देन सीडी मींस 4.5 GB नियर अबाउट, मींस 1 DVD इक्वल टू 1 DVD इक्वल टू 6 CD, मीन्स जितना डेटा हम 6 CD में सेव करेंगे वो डेटा 1 DVD में सेव हो सकता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ DVD, फर्स्ट इज DVD रीड ओनली मेमोरी एंड सेकेंड इज DVD रीड एंड राइट। इसमें हम दोनों ही काम कर सकते हैं, रीड एंड राइट मीन्स री यूजेबल होती है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी कि जो हमारा CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, उसकी स्टोरेज साइज स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700, DVD जो हमारा होता है वो 4.5 to 4.7 GB इतना कर सकते हैं हम डेटा स्टोर। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है ये है ब्लू रे डिस्क, ये न्यू टेक्नोलॉजी है ब्लू रे डिस्क। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो नियर अबाउट 25 GB मीन्स 25 GB डेटा स्टोर होता है वन ब्लू रे डिस्क BD इक्वल टू 5 DVDs के बराबर हम एक ब्लू रे डिस्क में डेटा स्टोर। तो जैसा कि मैंने बताया ये जो हमारी ब्लू रे डिस्क होती है, ब्लू रे डिस्क का यूज टू स्टोर मोर देन 25 GB ऑफ डेटा विद अ वेरी हाई स्पीड इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, कम समय में बहुत ही कम समय में हम बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं ब्लू रे डिस्क में। अ सिंगल लेयर ऑफ ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर 30 hours ऑफ वीडियो वेयर एज डबल लेयर BD कैन स्टोर मोर देन 20 hours ऑफ वीडियो। एक सिंगल लेयर की जो ब्लू रे डिस्क होती है इसमें हम कम से कम 13 घंटे की वीडियो लगा कंटिन्यू 13 घंटे की वीडियो हम स्टोर कर सकते हैं 13 hours BD सिंगल BD। एंड टू लेयर BD होती है इसमें नियर अबाउट 20 hours का वीडियो सेव कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे वो हमारा है USB। USB आप सभी लोग जानते होंगे, USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पेन ड्राइव को ही हम USB बोलते हैं। इट इज़ अ पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस, इसको हम कहते हैं कि ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मीन्स एक जगह से निकाल के हम दूसरी जगह लगा सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मीन्स हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द अदर डिवाइस यूजिंग USB पोर्ट ऑफ द सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में USB पोर्ट होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ये रेक्टेंगल टाइप में इस तरह का पोर्ट होता है, इसको बोलते हैं USB पोर्ट। तो USB पोर्ट में USB डिवाइस को ही लगाया जाता है USB डिवाइस।
यूएसबी डिवाइस क्या होती है, जैसा मैंने बताया पेन ड्राइव, इट कैन होल्ड डेटा इन गीगाबाइट, लाइक 2 गीगाबाइट, 4 गीगाबाइट, 6, 8, 32, 64 और 128 गीगाबाइट। तो हम हमारा जो यूएसबी डिवाइस हो सकता है वो डेटा स्टोर कर सकता है 2 GB, 4 GB, 6 GB, 32, 64 या फिर 128 GB। इसके बाद हमारा 7th पॉइंट आता है, 7th पॉइंट है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसका जनरली यूज़ सब लोग करते हैं मोबाइल फ़ोन्स में। मोबाइल फ़ोन्स में हम मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हैं। मेमोरी कार्ड का भी यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, मीन्स एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अगर डेटा हमें ट्रांसफ़र करना हुआ तो हम मेमोरी कार्ड का यूज कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड और ए फ्लैश ड्राइव कार्ड इज़ अ मेमोरी डिवाइस, इट इज़ यूज एज एन ईजी, फास्ट एंड रिलायबल मीडियम टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं। मेमोरी कार्ड के माध्यम से बहुत ही ईजिली और बहुत ही तेज़ी से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टोरेज डिवाइस कंप्लीट हुआ। अगर कुछ भी इसमें आप लोग को डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो ये हमारा स्टोरेज डिवाइस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है CPU। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सिस्टम यूनिट इज द बॉक्स दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज। CPU जो हमारा होता है ये हमारे इंटरनल्स मदरबोर्ड CPU के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है कि वो डैमेज ना हो पाए, उनमें डस्ट ना लगने पाए। इट कंटेन्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम CPU बोलते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ CPU। फर्स्ट इज ALU, सेकेंड इज CU एंड थर्ड इज MU। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। MU स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU एंड MU मेमोरी यूनिट। इन तीनों का वर्क क्या है हम देखेंगे। डिफरेंट वर्क होते हैं। CPU के अंदर जो भी कैलकुलेशन मैथमेटिकल वर्क करना होता है वो हमारा होता है ALU के अंदर, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जैसा कि नाम से पता चला अर्थमेटिकल मैथ से रिलेटेड एंड लॉजिक से। तो इसमें हमारे प्रोसेस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस तरह के अगर हमें कैलकुलेशन करने होते हैं तो ये हमारा होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या वर्क होता है? कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है इनपुट आउटपुट एंड इंटरनल डिवाइसेस के ऊपर कंट्रोल रखना। कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है कंप्यूटर से जितने भी उसमें इनपुट डिवाइसेस लगी हैं, आउटपुट डिवाइसेस लगी हैं या जो भी इंटरनल डिवाइसेस होती हैं CPU की, इन सब के ऊपर कंट्रोल करना।
इसके बाद हमारा होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में हमारे प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों तरह के मेमोरी आते हैं। इसमें हमारा रैम प्लस रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी रोम स्टैंड्स फॉर सॉरी रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारा जो मेमोरी यूनिट होता है रैम रोम, ये हमारे एमयू पार्ट में आते हैं, सीपीयू के एमयू पार्ट, मेमोरी यूनिट। तो हमारा सीपीयू का मेन हमारे तीन पार्ट होते हैं, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। तो हमारा CPU का जो हार्ट जिसको हम बोलते हैं वो होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर का वर्क होता है डेटा को प्रोसेस करना, चाहे वो इनपुट डिवाइस से आ रहे हैं या आउटपुट डिवाइस के पास से आ रही हैं। द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज द प्रोसेसर यूनिट, इट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। जो हमारे कंप्यूटर का हार्ट होता है वो होता है प्रोसेसर। इट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट्स को कनेक्ट करता है। विच एग्जीक्यूट मोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जो कंप्यूटर के ज़्यादातर ऑपरेशंस को कंप्लीट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, शुरू करते हैं, जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रोसेस होते हैं। द कंट्रोल यूनिट विच एक्ट एज नर्व सेंटर दैट सेट कंट्रोल सिग्नल टू ऑल अदर यूनिट्स। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो नर्व सेंटर, मतलब जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हमारे जो हमारा माइंड होता है वो हमारे पूरे बॉडी के हर एक अंग पर कंट्रोल रखता है, हर एक पार्ट पर कंट्रोल रखता है। ऐसे ही सीपीयू में जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है वो कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस के ऊपर कंट्रोल रखता है। इसके बाद हम आते हैं जो हमारा ALU होता है, यूजुअली फास्टर देन अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू कंप्यूटर्स। कंट्रोल यूनिट एंड ALU आर यूजुअली मेनी टाइम फास्टर देन अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है वो कंप्यूटर में अन्य जुड़े हुए डिवाइसेस की अपेक्षा बहुत ही तेजी से वर्क करता है। दिस इनेबल्स अ सिंगल प्रोसेसर टू कंट्रोल, और ये सभी वर्क कौन करता है, एक जो हमारा प्रोसेसर है जिसको हम कंप्यूटर का हार्ट भी बोलते हैं, कंप्यूटर का हार्ट बोला जाता है प्रोसेसर को हार्ट। तो जैसा कि हम लोग को पता चला कि सीपीयू के देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ सीपीयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तीनों का ही डिफरेंट वर्क होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है आज का हमारा, ये है मेमोरी। मेमोरी में काफ़ी कुछ मैंने अभी आप लोग को बताया है। तो इस मेमोरी में पढ़ेंगे देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मेमोरी। मेमोरी की दो कैटेगरीज होते हैं, दो तरह की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, या फिर इसको एक्सटर्नल मेमोरी और इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, और सेकेंडरी को एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं।
तो जैसा कि मेमोरी को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी हम देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज वेरी फास्ट एज डेटा एंड प्रोग्राम मस्ट बी इन द प्राइमरी मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वेरी फास्ट, बहुत तेज होता है। प्राइमरी मेमोरी इज वेरी फास्ट एज डेटा डेटा एंड प्रोग्राम्स must be in the memory for execution। तो हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है वो बहुत ही फास्ट होता है, यह प्रोग्राम या फिर डेटा को एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी हमारा ही रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर इसी को हम बोलते हैं रैम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी को ही प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और ये होता है, अच्छा प्राइमरी मेमोरी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पहला हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, दूसरा हो गया रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो इन दोनों को ही, रैम एंड रोम को ही प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। दूसरा हमारा है प्राइमरी मेमोरी हो गई, अब इसमें हम पढ़ते हैं रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रेफर्स टू मेमोरी दैट कैन बी सिलेक्टेड एंड यूज्ड रैंडमली। रैंडम एक्सेस मेमोरी refers to memory, random access memory ऐसे memory को कहा जाता है जो data को randomly access करता है। तो random access memory refers to memory that can be selected randomly। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा ऐसे मेमोरी होता है जो मेमोरी को एक्सेस करता है या सेलेक्ट करता है रैंडमली। रैंडमली मतलब अचानक से। इसके बाद हमारा जो सेकेंड इसमें आता है प्राइमरी मेमोरी का, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को परमानेंट बिल्ट इन कंप्यूटर मेमोरी बोला जाता है। जो रीड ओनली मेमोरी होता है वो हमारा होता है, इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। मीन्स जो चेंज हो सकता हो, जैसे कंप्यूटर हम शट डाउन करते हैं तो रैम से, जो रैम में हमारा डेटा प्रोसेस होता है वो इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो कंप्यूटर ऑन करेंगे तो डेटा वो हमको नहीं मिलेगा जो रैम के अंदर रन कर रहा था। बट जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये इस परमानेंट मेमोरी होता है, परमानेंट मेमोरी। सिंपल हम एग्जाम्पल से ऐसे जान सकते हैं
कि रोम का क्या वर्क होता है। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन या फिर वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, हमने वेब ब्राउजर गूगल क्रोम अपना ओपन किया है, तो ये प्रोसेस रैम के अंदर होता है। हमने सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम को क्लोज कर दिया तो ये डेटा रैम से इरेज हो जाएगा। बट जो रीड ओनली मेमोरी में डेटा होता है, जैसे कि हमारे जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं कंप्यूटर में या फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ये सब होते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को चेंज नहीं किया जा सकता, ये वन टाइम राइट की जाती है कंप्यूटर में। लेकिन जो रैम होता है, इसमें हम मेमोरी में बार बार राइट किया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि रीड ओन रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, हम एक बार रिवाइज करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी रेफर्स टू मेमोरी दैट कैन बी सिलेक्टेड एंड यूज्ड रैंडमली। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर डिसअपियर्स द वेरी मोमेंट द मशीन इज टर्न अप। जैसे ही कंप्यूटर मशीन ऑफ होगा तो रैम से डेटा इरेज हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज वोलेटाइल मेमोरी। रैम को ही वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। वोलेटाइल मीन्स जो चेंज हो सके, बदल सके। सेकेंड हमारा जो है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इज परमानेंट बिल्ट इन टू द कंप्यूटर एट अ टाइम ऑफ प्रोडक्शन। जब कंप्यूटर को बनाया जाता है उसी टाइम में रीड ओनली मेमोरी को राइट किया जाता है कंप्यूटर का। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस मेमोरी कैन ओनली बी रीड एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट फ्रेश अगेन एंड अगेन। ओके, और इसमें हमारा होता है कि जो रीड ओनली मेमोरी होता है इट इज़ परमानेंटली स्टोर। रीड ओनली मेमोरी इट इज परमानेंटली स्टोर्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। तो जो हमारा रोम होता है इसमें ऐसा डेटा होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कई सारे इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो निर्देश देते हैं कंप्यूटर को कि हमें कैसा वर्क करना है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड आता है, फर्स्ट तो हमने पढ़ा कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड हमारा होगा सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसमें देखिए क्या होता है कैसे, या सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। OXILIARY ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोला जाता है। द कंटेंट ऑन द रैम इज इरेज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक पावर इज स्विच ऑफ। जैसा कि मैंने बताया कि रैम में जो भी डेटा होता है वो इरेज होता है जैसे ही कंप्यूटर से इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्ट होती है। इट इज़ बिकम नेसेसरी टू स्टोर दिस डेटा फॉर फ्यूचर यूज समवेयर एल्स। इसलिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि हम डेटा को भविष्य में यूज़ करने के लिए कहीं पर स्टोर करें। तो इसलिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कॉस्टली होता है रेदर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी कॉस्टली होती है। तो इसमें हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी द कंटेंट ऑन द रैम इज इरेस्ट व्हेन इलेक्ट्रिक
power is off. जैसे इलेक्ट्रिक पावर ऑफ होता है तो हमारे रैम से डेटा इरेज हो जाता है, सो इट बिकम्स नेसेसरी, इसलिए यह बहुत ज़रूरी होता है टू स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज. Somewhere else. तो रैम में जो हमारा डेटा है उसको फ्यूचर यूज के लिए कहीं हमें स्टोर करना होता है, वो डेटा हम स्टोर करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में. सेकेंडरी मेमोरी मेमोरी इज एक्सपेंसिव रेदर देन प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी कॉस्टली होता है. प्राइमरी स्टोरेज इज एक्सपेंसिव टू, वी नीड अ रिलेटिव चीपर फॉर्म ऑफ बैकअप स्टोरेज विच कैन स्टोर वेस्ट क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन. सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस बिकम ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर. इसलिए जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर. इसलिए जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है. तो जैसा कि हम लोगों ने आज पढ़ा अपना टॉपिक, इस टॉपिक्स में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हैं तो वह हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा अगले लेक्चर में वो होगा यूनिट्स ऑफ मेमोरी. मेमोरी यूनिट्स के बारे में हम आप लोग को बताएंगे, बिट बाइट, मेगा बाइट, किलो बाइट, गीगा बाइट, इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. थैंक यू.